मधुपुर रेलवे रैक पॉइंट का मुख्य सड़क आए दिन दुर्घटना को आमंत्रण दे रही है। लखना मोड़ से रेलवे साइडिंग तक जाने वाली सड़क घनी आबादी से गुजरा है। सड़क काफी तंग है और सड़क से सटे विद्युत का खंभा भी घटना का एक कारण बताया जा रहा है। पुनः इस बार रेलवे रैक पॉइंट से निकला मालवाहक ट्रक ने सड़क किनारे बना एक घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि एक व्यक्ति इस दुर्घटना में बाल बाल बच गए। भुक्तभोगी परिवार के सदस्यों का कहना है कि इससे पूर्व 3 बार मालवाहक ट्रक से घर को क्षति पहुंचाया जा चुका है। घटना के बाद मुआवजा तक नहीं मिलता है। आए दिन भय का माहौल बना रहता है। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से उक्त सड़क को बंद कराने की मांग मोहल्लेवासियों ने की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लेके चौथा बार हो गया, चौथा बार हुआ ना। अभी मेरा लड़का भागा दौड़ के तब जाके बचा। अभी क्या होता, मर जाने से सब तो होकर के सब पार हो जाता। इससे पहले 3 बार हुआ, पर फिर ऐसे ट्रक गिरा था मेरा दीवार पर और थोड़ा घर भी क्रेक हो गया था। नए लोग एक पैसा दिया और ना कुछ नहीं, खाली ओलो लो करके अपने खा पी के पैसा सिपाही रहे दरोगा जे रहे सब उसी चल जाता है सब। तो बार बार ऐसे होते रहेगा तो हमारा बच्चा लोग तो मरिए जाएगा, तो हम क्या करेंगे। तीनों बार का हर जाना ये रोड बंद होगा, उसके बाद हम गाड़ी उठने देंगे यहाँ। लेकिन अगले बार प्रशासन भी हम बोला कि मिलेगा पैसा, उस वक्त तक नहीं जाने देंगे हम गाड़ी को। लेकिन क्या अपने में सेटिंग हो गया, हम लोग कुछ नहीं जाने। थाना फोन करते थे तो प्रशासन भी वहाँ से बोलता रहा कि मिल जाएगा, जब तक नहीं जाएगा गाड़ी यहाँ खड़ा रहेगा मैदान में। लेकिन कुछ नहीं हुआ, तब चला गया। फोन करते करते हम लोग थक गए, मालिक को बुला फोन किया, बोला हम नहीं जानते, आप थाना समझिए। इधर घटना को लेकर पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र प्रसाद ने कहा कि मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, भुक्तभोगी परिवार को मदद पहुंचाने का भी पहल किया जाएगा। इसमें देखिए वही रास्ता है, एकमात्र FCI का रेक जो है रेलवे से आती है, उसमें खाद्यान्न निकलने का तो गलती चालक से तो गलती हुई है। हम चाहेंगे कि विधि सम्मत उसमें जो भी कार्रवाई हो होना चाहिए होगा, और रिक्वेस्ट करेंगे ट्रक मालिक से और जो रैक निकल मंगवाते हैं उनसे भी कि उस गरीब को मदद कर दीजिए। स्थिति विकराल है क्योंकि घर बनाने की स्थिति में वो नहीं है अभी तत्काल।